आज की बात में आज हम डेल कार्नेगी की कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, परेशान होना छोड़िए और ज़िंदा रहना, खुश रहना सीखिए। तो उसमें हमने किया था कि परेशानी से क्या नुकसान हो सकते हैं, व्हाट वरीज टू डू मे सो। तो उसका दूसरा रिमेनिंग पार्ट है, उसमें बहुत अहम चीज़ें हैं, चाहूँगा कि आपसे आज वो डिस्कस करूँ। डेल कार्नेगी की दो कोटेशन आपसे डिस्कस करूँगा। कहते हैं कि टास्क अबाउट पीपल एंड देमसेल्स, लोगों के बारे में बात कीजिए, उनके बारे में कहिए, एंड दे विल लिसन फॉर आवर्स, फिर वो आपको बहुत घंटों तक आपको सुनते रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी ज़ातियात के बजाय दूसरों की मुतालिक बातें कीजिए, तो माशरती सिस्टम यही है और लोग आपसे दिलचस्पी भी इसी बिना पर लेंगे। दूसरी कोटेशन है, वो कहते हैं कि नॉलेज इज़ देट इज़ यूज स्टिक टू योर सेल्फ, यानी इल्म वो चीज़ है, मालूमात वो चीज़ है जो आपको जोड़े रखती है, स्टिक टू योर माइंड, आपके जहन को जोड़े रखती है। वरना ये होता है कि हम मुंतशिर ख्यालात के आदि हो जाते हैं और मुख्तलिफ नेगेटिविटी के ख्यालात हमारे जहन में आते हैं। तो चलते हैं उसी कंटिन्यूटी की तरफ कि परेशानी हमें क्या नुकसान दे सकती है। तो कहते हैं साइंस ये साबित कर चुकी है कि जो शख्स, जो अफराद ऐसा भी शिकन में मुबतला होते हैं तो उनके ऊपर बहुत सी बीमारियां हावी हो जाती हैं, और जो एसाबी तनाजात को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते तो वो एसाबियत उनके अंदर इस तरह पेबंद हो जाती है कि मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपने एसाबी बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो उसके लिए मुख्तलिफ एग्जांपल्स है, कहते हैं कि एक ब्रिटिश एक्ट्रेस थी, तो उनका एक इंटरव्यू था, तो वो कहती हैं कि जब मैं शुरू में एक्टिंग में आई थी तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कम था और नई मैं इस शोबिज़ की फील्ड में आई थी, तो उस वजह से मुझे घबराहट बहुत तारी रहती थी। तो उस बिना पर मेरी फिल्में भी नाकाम रहीं, मेरी परफॉर्मेंस नाकाम रही। फिर कहती हैं कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे सारे पर्सनैलिटी के ऊपर मेरा सारा चेहरा डिपेंड करता है और मेरी सारी परेशानी मेरे चेहरे के ऊपर आ रही है। तो मेरे ज़िंदगी में ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो बचा कुचा था, इन्वेस्टमेंट थी, वो भी ख़त्म होती गई और सिर्फ चेहरा बच गया। फिर मैं लोगों के दरमियान जब जाती थी तो वो चेहरा मेरी नुमाइंदगी करता था, वो परेशानी मेरी नुमाइंदगी करता था। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि मेरी सारा असासा, मेरी सारी मिल्कियत मेरा चेहरा है। फिर मैंने अपने चेहरे को कंट्रोल करना सीख लिया, मैंने अपने चेहरे के ऐसा भी शिकन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो फिर डॉक्टर विलियम का एक कोटेशन दे रहे हैं कि अगर आपका चेहरा आपके शिकन और एसाबियत से भरपूर होगा तो आपके अंदर डर, खौफ और थकावट आएगी, और जब ये तीनों चीज़ें आएंगी तो नाकामी खुद ब खुद आपके ज़िंदगी में खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमको कंट्रोल करनी है। कहते हैं कि जब ऐसा भी शिकन और डिप्रेशन हमारे अंदर आ जाती है तो हमें बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। यही वजह है ब्रिटिश एक्ट्रेस कहती हैं कि औरतों के अंदर ये जब चीज़ आ जाती है तो फिर क्या होता है, चेहरे के शिकन और वहाँ शिकन पड़ जाती है, बाल चांदी हो जाते हैं, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये औरतों के साथ और मर्दों के साथ। कहते हैं अमेरिकन में सबसे बड़ा मर्ज जो समझा जाता है वो दिल का मर्ज समझा जाता है, हार्ट का मर्ज। सेकंड वर्ल्ड वार की एक एग्जांपल दे रहे हैं, कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वार में लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे और उसके अलावा 20 लाख अफराद ऐसे थे जो जहनी बीमारी में मुबतला हो गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, और उन 20 लाख से आधे से ज़्यादा उसके बाद पागल हो गए थे। अब ये वो डिप्रेशन की कैफियत थी, ये ऐसा भी शिकन की कैफियत थी जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों में मुबतला हो गई थी। उसके बाद बहुत से सैकड़ों साइकेट्रिस्ट थे तो उस फील्ड में उन्होंने काम किया और उन्होंने बताया कि सबसे बेहतर ये होता है कि अगर आपको कोई ज़ख़म आ जाए तो उस ज़ख़म पे कंट्रोल करने से पहले आप अपने जहन के ज़ख़म को कंट्रोल करें। इसलिए एक डॉक्टर विलियम की दूसरी कोटेशन देते हैं, कहते हैं कि खुदा तो हमारे गुनाहों को बख्श देता है मगर ऐसा भी शिकन हमारे
कभी भी जहन को बख्शती नहीं है। अगर वो हमारे अंदर आ जाए तो हम फिर उससे निजात पाने के लिए बहुत सी मुश्किलात में आ जाते हैं। एक चंदन का दे रहे हैं कि अमेरिकन एक लड़की थी, कहते मैं एक हॉस्पिटल में गया था तो चंदन लड़की से जब मैंने मालूमात की तो उसने बताया कि मैं कैंसर के इब्तदाई मर्ज में मुबतला थी, तो डॉक्टर ने चूँकि सारी हकीकत मुझे बता दी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म करता जाएगा, अब ये पहाड़ मेरे ऊपर गिरा। अब सबसे पहला अमल मेरे लिए ये था कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, अपने आप को संभालूँ। उसके बाद तमाम मुश्किलात के बावजूद मैं अपने जिस्म पर कंट्रोल करती गई और अपने एसाबी शिकन से लड़ती गई। और एक दिन ये आया कि उसी डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आप कैंसर के मर्ज से निकल चुकी हैं। ये कहते हैं सेल्फ कंट्रोल की एक एग्जांपल है। अगर आप इससे लड़ते रहेंगे, इससे दूर भागते रहेंगे तो ये आपके करीब कभी भी नहीं आएगी। उसके बाद डेविड की एक कोटेशन दे रहे हैं, कहते हैं कि स्ट्रेस आपके जहन को मुसलसल खाती रहती है, जैसा कि चूहा एक तार को खाता रहता है, इस तरह आपके जिस्म को वो तबाह कर देगा। फिर डेल कार्नेगी एक एग्जांपल दे रहे हैं, नाम नहीं दे रहे, कहते हैं चाइनीज़ एक बहुत ही जालिम बादशाह थे, किबले मसीह के थे, उनका क्या तरीका था। अब ये एग्जांपल सुनिएगा, वो कहते थे जब भी कोई कैदी या किसी को सज़ा देनी होती थी तो उनके हाथ और पांव बांधकर सीधा खड़ा कर देते थे और उसके बाद ऊपर से एक नल इस तरह जारी करते थे कि एक एक पानी का कतरा उसके सर पर टपकता रहता था और वो जाकर दिनों महीनों के बाद टप टप करते हुए उसके जहन में मुसलसल खला पैदा करता था। जहनी कशीदगी इतनी बढ़ जाती थी कि वो अपने एहसाब ख़त्म कर देता था, गंवा देता था और वो पागल हो जाता था और वो वहाँ चीखे मारना शुरू कर देता था। कहते हैं कि हिटलर का भी यही अंदाज़ था कि वो इस तरह की सज़ाएं तजवीज़ करता था कि इंसान को मारने के बजाय इस तरह अज़ियत दी जाए कि उसका जहन उसका दिमाग काम न करे। अब कहते हैं वो जो पानी का कतरा है वो आपके अंदर स्ट्रेस है, आपके अंदर डिप्रेशन की एक कैफियत है, अगर वो मुसलसल आपके जहन में रहा तो उस कतरे की तरह आपके अंदर सराब करता हुआ आपके पूरे जिस्म में पिना हो जाएगा और आप अपनी एसाबी कैफियत ख़त्म कर देंगे। तो आखिर में एक जुमला कहते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद को खुदा के रसूल की उम्मत को दिल में बसाया है, तो आप एक कोटेशन एलेक्सिस कैरोल की अपने दिल में बसा लें, वो ये कर लें कि अगर एक आदमी अपने जहनी कैफियत पर कंट्रोल नहीं करता, जहनी परेशानी पर कंट्रोल नहीं करता तो इस दुनिया से जल्द चला जाता है। एक जहनी मरीज़ इस दुनिया में बहुत कम जीता है। कहते हैं कि दुनिया में गम और दुख कभी भी ख़त्म नहीं होने, इंसान ख़त्म हो जाएगा फिर ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, इसलिए जब तक ये चीज़ें रहें तो आप सोच लें कि ये चीज़ें रहेंगी, इनसे हमने मुकाबला करना है तो इनसे मुकाबला करें, इनसे दूर मत भागें और इनसे शिकस्त मत खाएं। तो ये आज का सबक है आपके लिए। बहुत अच्छा।